हे गाइस, गुड मॉर्निंग। काय कस काय बरा आहे ना? हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार है और आज महालक्ष्मी का मार्गशीर्ष महीने का व्रत है मेरा। तो डार्क लिपस्टिक लगाने की कोशिश की पर नहीं लगी है बराबर से। तो पूजा का तैयारी मैंने कर लिया है, अब सिर्फ कथा पढ़नी है और आरती करनी है। तो वो करने चलेंगे नीचे। और चलिए आपको दिखाती हूँ इस बार मैंने किस तरह से पूजा की। हर बार मेरी वैसी ही रहती है और मेरा ना हाथ जल गया। देखिए है ना कितना लाल लाल दिख रहा है। ये ना फिंगर्स जल गए। मैंने कटोरे में लेके घी गरम किया ना, ठंडी में घी ना पूरी तरह से जल जा मतलब जम जाता है। जल क्या जाता है, जम जाता है। तो मैंने घी गरम किया ना, तो उसमें ना मैं कटोरा पकड़ ली हाथ से घाई घाई में, तो इसलिए मेरे हाथ जल गए। पता नहीं क्यों मैंने भगवान से माफी मांगी कि भगवान मैं कुछ भी भूल चूक करती हूँ, मैं बहुत घाई घाई में पूजा करती हूँ, तो मेरे से कुछ भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बाल धोने के थे तो बाल नहीं धो पाई मैं आज, क्योंकि पानी आया नहीं है, पानी बहुत लिमिटेड था। आज अभी आया होगा लेकिन मैं सुबह देखने नहीं गई, थोड़ा सा मैंने चालू किया। कल था जितना आधा टंकी भरा हुआ, वो मैंने मोटर से ऊपर चढ़ाया लेकिन वो कुछ अंदर की टंकी में गीजर में पानी नहीं आ रहा था। वो थोड़ा सा सेट होगा उसके बाद आएगा। तो छोड़ो, नहा ली मैं जैसे तैसे करके और अब चल रही हूँ पूजा करने। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और बस जैसे तैसे भगवान की पूजा करती हूँ, माफी मांगती हूँ और चलती हूँ पार्लर पे। ये है मेरी आज की पूजा की तैयारी। और ये देखिए यहाँ पे भगवान है। और ना कल मैंने दूसरे का किसी का व्लॉग देखा ना, उसमें ये बताया कि दो आंखें हैं ना नारियल की, वो अपनी साइड रखने की। तो मैंने आज इस तरह से जमा दिया है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं सब कुछ लाई हूँ, मतलब दुर्वा बिरवा सिर्फ कमल का नहीं लाई हूँ भगवान के लिए। देखूंगी जब चांस मिलेगा तो एक दिन और लेके आ जाऊंगी। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ मैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ लक्ष्मी देवी के। तो ये है माँ लक्ष्मी देवी की पूजा की। जय भगवान। जय लक्ष्मी माता। जय भगवान। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। जैसे ना डर लगे जय भगवान, तो आरती ले लीजिए। जय भगवान। तो भागते दौड़ते पार्लर पे आ चुकी हूँ और हाथ ना मेरा बहुत ज़्यादा जल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्म लग गया है। और आते वक्त मैंने लिया है बनाना और मूंगफली और बस, उस लास्ट गुरुवार का एक मौसम भी पड़ा था वो भी लेके आ गई हूँ। तो यही मेरा आज का खाना रहेगा। ये बनाना भी बहुत महंगा कर दिया आज तो, आज वो लोग ने सब चीज़ के रेट बढ़ा दिए। 30 रुपये का उसने मुझे 6-7 दिया है शायद, पता नहीं कितना दिया है। बस अब मैं वेट कर रही हूँ बच्चे लोग के आने का, और कल बच्चे आए नहीं थे। कल बच्चे, एक ही बच्चा आया था विहान, आपने वीडियो में देखा, बहुत उजाला आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, क्या हुआ कैमरे को भाई। हाँ तो अब ठीक है। क्या मालूम क्या हो गया था कैमरे को, मोबाइल के कैमरे को। आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है और इसको प्रेस किया सुबह बहुत भागम भागी में।
थोड़ा सा लिपस्टिक ठीक कर देती हूँ। सुनो बेटा, आज क्या लिखोगे? क्या लिखना है? फाई बनाओगे? देखो फाई इसे इजी वे में ऐसे 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 फाई बनाओगे? हाँ, मुझे बना लेता। बना लेते हो? हाँ, बोला था मैं बने। आप मुझे ये बताओ कि आप कल क्यों नहीं आए थे? कल खाना खा रहा था, फिर मेरा तबीयत खराब हो गया। टीचर यहाँ है कि टीचर यहाँ है? टीचर कहाँ है बताओ? टीचर से बात कर रहे हो कि इधर वीडियो में बात कर रहे हो? चलो लिखो ये, जाओ। यशवी पूरा दिन मोबाइल यूज कर करके चार्जिंग खत्म हो जाता है। बहुत से लोग ना कितना मेहनत करते हैं ना, सच में उनकी मेहनत देख के, मतलब दो दो बच्चे रहते हैं तो एक को संभालो, एक को स्कूल छोड़ने आओ। मेरे प्ले स्कूल के बच्चे, उसकी छोटी बेबी है, वो इतना भाग भाग के आई ना, मैंने उसको बोला इतनी भी भागम भागी करने की जरूरत नहीं है, मैं रहती हूँ, आप मुझे फोन भी कर देते। बोलती मैं छोटी बेबी को ना टीका लगवाने गई थी। मैं बोली कोई बात नहीं। तो मतलब हम एक दूसरों को समझ के ही लेना चाहिए सबको। और अब मेरा टाइम आया है मूंगफली खाने का। भूख लगी है जोरों की। 50 बार हाथ धोने जाओ। अभी इसको खोला ना इस तरह से, अब इसको ऐसे रखूंगी, फिर से हाथ धोऊंगी और फिर खाऊंगी। परेशान हो जाते हाथ धो धो के। हाय गाइस, मुझे बाल भी नहीं खोलने दे। हाय गाइस, आज ना मैंने क्या लिया? अच्छा, ये ब्राउन डब्बा लिया। अरे ये लिया मेहंदी का कोन, मास्क निकाल दे। स्वीच्छा चेहरा सबको दिखने दे बाबू, कितनी प्यारी शोनी है मेरी। जाओ कहाँ पर? जाओ चलो। कहाँ चलो? अब तो मैं लगाएगा मेहंदी लगा तुमने ना। मैं और मम्मा और नानी। फिर आप दिखाओगी मेरे व्यूअर्स को कैसा मेहंदी लगाया? मैं पहले ना एन और ए वाला मेहंदी लगाई थी। नहीं निकलेगा, ये टाचनी भी कैसे प्लास्टिक क्या बात है। आपको बताती हूँ, देखो कितने अच्छे से मेहंदी निकाली। को ऐसे डॉट किया है ना यहाँ पर। हाँ। तो ये डॉट से ये सा वो रोल, मतलब फ्लावर का पेटल्स बनाने का। वाव, निकालो निकालो आप निकालो। कालचा फोन आला होता ना नंतर? तुमचा फोन आला होता नंतर? हो, घरी राहिला होता ना। हाँ, बाय। सच में सारू काढ़े छे रे। हाँ देखो गाइस, इतनी छोटी सी माऊ कितना अच्छा निकाल रही है। यहाँ देखो
मेरे व्यूअर्स के सामने देखो, कभी आपको निकलवाना हो तो जीलू जरूर निकाल के देगी, निकाल के दोगी मेरे व्यूअर्स को। हाँ। देखो देखो देखो, सच में अच्छा निकाल रही है रे, मम्मी जैसा अच्छा निकालेगी लगता है थोड़े दिन में। दिखा दिखा। ओहो मेरा टेबल तो बहुत गंदा है, मेरे व्यूअर्स बोलेंगे सब हेयर डाई पढ़ पढ़ के देखो टेबल्स कितना गंदा हो गया। अरे अब बिगाड़ डाला आपने उसका, पांच ऐसी पत्तियां ही बनानी चाहिए थी। ये एक कमल है, कमल कमल निकाल दिया। आज आज महालक्ष्मी व्रत है तो कमल निकाल दिया। अभी इधर ऐसे ऐसे कलर का करो, जो करना है वो करो, एक्सपर्ट है मेहंदी निकालने में। रंगोली आता है आपको? हाँ। बनाती है? हाँ। और गणपति कितने मस्त बनाती हो, आटे के जो कौवा लेके चला जाता है। आटे के गणपति बनाती हो, बाहर सूखने को रखती हो तो कौवा लेके चला जाता है ना। लेकिन अभी मैं बाहर नहीं सुखाने के लिए रखती हूँ। रंगोली में भी बनाया था गणपति। अच्छा वाओ। पार्लर से घर आ गई हूँ और चलो भागो जल्दी से खाना बनाओ क्योंकि भगवान को भी भूख लगी होगी। मैं लाई हूँ रास्ते से फालूदा एक। सॉरी इतनी भागम भागी में नहाई और बस, तो मैं रास्ते से लाई हूँ फालूदा और अभी मैं बनाऊंगी फटाफट में। मैंने दोपहर को सोचा था कि मैं पूरी और सब्जी बनाऊंगी आलू की, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है, 10:30 बज गया है मुझे आते आते। तो मैं अभी भजिया बना लूंगी, तो वही उसी का भगवान को भोग धरा देती हूँ। फटाफट मैं भी खा लूंगी, भगवान जी भी खा लेंगे और भागती हूँ नीचे किचन में। अभी तक मुझे गैस लगाने को टाइम नहीं मिला है तो इससे ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि इसमें भजिया तो बन ही जाएगा फटाफट, है ना। कढ़ाई गरम रख देती हूँ। अरे भाई लेट होता है तो और भी लेट होता रहता है। कुछ तो काम आया ये गैस। यहाँ पे भजिए का घोल बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा टेस्ट के लिए, और चाट मसाला और धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और बेसन, सब मिला के इसका घोल बना लेती हूँ। जल्दी से भजिए उतारती हूँ क्योंकि भगवान को बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे कान में आके बोल के गए। तो यम्मी से भजिए करारे वाले बना रही हूँ इसको एकदम मस्त। ये लग गई है मेरी खाने की थाली, इसके साथ में फालूदा लेके आई हूँ, वो भी भगवान को धरा देती हूँ। तो भगवान तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, और ये मैंने प्रसादी भगवान को चढ़ा दिए, साथ में पानी भी रख दिया है। भगवान जी नैवेद्य खाइए जल्दी से फटाफट, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। आप खाएंगे तो मैं भी जल्दी खा सकती हूँ। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आज मैंने ना रबड़ी लेने का सोचा था भगवान जी के लिए, पर फिर मैंने सोचा रबड़ी का वो जो कूलर रहता है ना, वो धोने के लिए मुझे घर से पानी लेके जाना पड़ेगा, घर से इन द सेंस पार्लर से, फिर उसको धो के फिर उसमें लूंगी कूलर की रबड़ी लेने वाली हूँ। तो इसलिए आज मैं पानी ले की बॉटल लाना भूल गई थी, तो फिर मैंने ऐसे ही ले लिया। और मेरे भगवान जी, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। निकिता ने ये मुझे दही वड़े दिए हैं और साथ में मेंदू वड़ा भी दिया है, और ये कुछ हलवा है शायद, अब खोलूंगी तब पता चलेगा। और ऐसा दिल करता है ना, मुझे जो खाने को दिल करता है ना वो मेरे लिए आ ही जाता है कहीं से भी। पता नहीं ये क्या है, किस चीज का हलवा है, थूली का हलवा है या, खाऊंगी तो ही पता चलेगा। और ये यम्मी से मेंदू वड़ा जो मुझे निकिता ने दिए, अब खाऊंगी तब पता चलेगा। पहले प्रसाद खाती हूँ, भगवान को जो भोग धराया है वो, और फिर उसके बाद ये खाती हूँ।